जो लोग छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टाइम मैनेजमेंट के छठे सिद्धांत में। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि देश के पीएम की बात करें या बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, क्या उनके पास नॉर्मल लोगों से ज्यादा टाइम होता है? बिल्कुल नहीं, बट फिर भी वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा काम करते हैं। तो इस चीज के पीछे का राज क्या है? एक्चुअली बड़े लोगों को अपना काम सौंपना आता है दूसरों को। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ कर पाएं, इसलिए हमें भी अपने छोटे मोटे जो काम है वो दूसरों को सौंपने आने चाहिए अगर हम जिंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपको उसको टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, तो आप उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स जो है अपने साथियों में बांट सकते हो। इस तरीके से आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमेशा आपको दूसरों को काम जो है वो देना आना चाहिए। इसी के साथ ही आपको टाइम को बाय करना भी आना चाहिए। सपोज अगर आप देखें, कंपनी का जो ओनर है वो कर्मचारियों का जो समय है वो खरीद लेता है, उनको पैसे देके, ना ही वो कुछ काम करता है, प्रोडक्शन करता है, ना ही कुछ बीच वाली जो गतिविधियां होती है वो करता है, बस उस काम की निगरानी करता है। कर्मचारियों का जो टाइम है वो ले लेता है अपने प्रॉफिट के लिए। इसी तरीके से भी आप भी जो है अपना जो टाइम है वो बाय कर सकते हो। छोटे मोटे काम जो है वो किसी और से आप करवा सकते हो कुछ पैसे देके। जैसे सपोज आपने किसी जगह पे जाना है कुछ सामान को लेने, तो अगर कोई और पर्सन भी उस जगह पे जा रहा है तो कुछ पैसे देके वो सामान आप उससे मंगवा सकते हो। इससे आपका काफी टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। इस सिद्धांत से हम क्या सीखते हैं कि हमेशा हमें दूसरों से काम करवाना आना चाहिए, और हमेशा जो है हम छोटे मोटे काम है जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम किसी से पैसे देके करवा सकते हैं, ताकि हमारा जो है प्रीशियस टाइम जो है वो सेव हो जाए और उसको हम किसी महत्वपूर्ण काम में लगाएं। धन्यवाद।